जनपद संभल के गुन्नौर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब, शराब बनाने के उपकरण, अवैध हथियार व वाहन सहित तीन अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के निर्देशन में तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी गुन्नौर डॉक्टर के सरोज के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने मैं पुलिस टीम के चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम भोला नगला से तीन अभियुक्तों किशन पाल, बिंटू तथा श्यामवीर को अवैध शराब व केमिकल से देशी शराब बनाते हुए मैं उपकरण व 405 पौवे केमिकल कलर, देशी शराब के लेवल व खाली पौवे आदि के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा। जंगल ग्राम भोना नगला में नदी किनारे एक अवैध शराब की भट्टी चल रही थी, जिसकी सूचना इंस्पेक्टर गुन्नौर को मिली। वो अपनी टीम लगा करके वहाँ पे तीन आदमियों को गिरफ्तार किए। इसमें किशन पाल, बिंटू और श्यामवीर ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे, जो लगातार वहाँ पे अवैध शराब, अपनी सीधी शराब बनाते थे और लोगों को सप्लाई करते थे। ये पकड़े गए हैं, इनका एक साथी मौके से फरार हो गया है। ये लोग वहाँ पे मिस इंडिया, मिस इंडीज, राजा और दिलदार आदि ब्रांड की शराब जो पाउच और पौवा बना करके बेचते थे, लोगों में सप्लाई करते थे और उससे धन अर्जित करते थे। अब ये पूरा गैंग पकड़ा गया है। इससे भारी मात्रा में पौवे, 405 पौवे और ब्रांड की पर्चियाँ, उनके लेबल, उनका खाली बोतल और पैकेजिंग के सामान, ये तमाम मिले हैं। एक SUV मिली है, एक मोटरसाइकिल मिली है, तमंचे मिले हैं, कारतूस मिले हैं इनके पास है, तमाम असलहे और ये शस्त्र और ये बनाने का उपकरण पूरा मिला है। पूरा एक गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहे थे, लगातार इस क्षेत्र में ये लोग अवैध शराब बना के सप्लाई कर रहे थे। अब ये गैंग पकड़ा गया, इससे क्षेत्र में अवैध शराब की सप्लाई पर कंट्रोल लगेगा। क्या रेट में कितनी कीमत बताई जा रही है सर? ये अभी लोकल ब्रांड के रूप में बेचते थे, लगातार उस क्षेत्र में सप्लाई करते रहते थे।